दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सरकारी नौकरी के जो वीडियोस मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री भी है। दोस्तों आज की ये वीडियो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर रिक्तियाँ निकली हुई हैं और साथ ही कॉन्स्टेबल के पदों पर रिक्तियाँ निकली हुई हैं। अब ये रिक्तियां कहां पर हैं, इनके लिए क्या योग्यता चाहिए और अधिकतम आयु कितनी है, आवेदन शुल्क कितना पे करना है और ऑनलाइन आवेदन की तारीख क्या है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। पहले दोस्तों बताता हूं आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के बारे में। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इन पदों को एसएसबी द्वारा भरा जाएगा। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या वायरलेस मैकेनिक कम ऑपरेटर में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें जो अधिकतम आयु चाहिए वो 27 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। इसमें आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है और आपको ऑनलाइन के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाना है, जो मैं वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। आप इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टेबल के पदों के लिए क्या है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव कॉन्स्टेबल के पदों पर कर रहा है और आवेदन ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। इन पदों को एसएसबी द्वारा भरा जाएगा और इसमें जो योग्यता चाहिए, एसएससी की परीक्षा आपने पास की हो, इसका मतलब 12वीं की परीक्षा आपने पास की हो और भारी या हल्के वाहन चलाने का आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ ही 2 साल का आपको अनुभव भी हो। इसमें जो वेतनमान है वो 69,000 के लगभग है और इसमें जो अधिकतम आयु चाहिए वो 27 वर्ष अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें मात्र 100 रुपये है और इसमें भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर जाना है, दोनों के लिए ही मैं वीडियो में लिख देता हूं www.daman.nic.in। और दोस्तों मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं, ये मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं ये केवल इन्फॉर्मेशन मात्र है। अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसे पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ सरकारी नौकरी के और वीडियोज़ के साथ। और यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।